Assalamu alaikum, beautiful people out there. I hope you all are doing super fine. So this is chicken manchurian with rice. Let's start with the recipe. We have chicken over here and some spices, some black pepper, chili flakes, salt, garlic powders, soya sauce, vinegar and corn flour. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन के पीसेस जितने छोटे होंगे वो बाइट में भी आएंगे आपके और लाइक ईजी टू ईट होंगे, ईजी टू कुक होंगे. अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है आपने. प्रॉपर प्री हीट के साथ आपने तेल गरम करना है ताकि आप जब चिकन डालें तो चिकन अच्छे से कुक हो जाए, बनिस्बत वो जले नहीं, और जब वो पक रही हो तो उसका कलर भी अच्छा सा आए, गोल्डन ब्राउन टाइप एज यू कैन सी. ओवरऑल सारी चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है. आप कलर देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया, प्रॉपर चिकन कुक हुई है एज यू कैन सी इन अ प्रॉपर वे. अब हमें बस यहाँ पे मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए कैप्सिकम है, अनियंस हैं, टमाटो हैं, सम चॉप्ड ग्रीन चिली, सम चॉप्ड गार्लिक, साथ ही साथ चिकन स्टॉक है. और अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसके टमाटर का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं. ग्रीन अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियन हमारे पास, शुगर है, ब्राउन शुगर, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर है, चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट हैं एंड हमारे अनदर हैंड हमारा चिकन है जो हमने फ्राई किया था. नाउ स्टार्ट विद द मंचूरियन रेसिपी. गार्लिक चॉप अच्छे से कुक कर लें, उसके बाद ग्रीन चिलीज कुक कर लें, उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाल दें ताकि वो अच्छे से कुक होता रहे. उनको टाइम लगता है उसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म होने में. उसके बाद हमने स्पाइसेस डाल दिए, सीजनल सॉसेस ऐड ऑन कर दी हैं, शुगर ऐड ऑन कर दी. शुगर का वाकई में ब्राउन शुगर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यू मस्ट ट्राई. हार्डली 8 to 10 मिनट्स इसको कुक कर लें. साथ साथ आप पीनट्स भी खा सकते हैं और सर्दियाँ भी इंजॉय कर सकते हैं बिकॉज सर्दियों में किचन में काम करने में बहुत मज़ा आता है. नाउ अनदर हैंड हमने फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें हमें वेजिटेबल्स फ्राई करने, तो हमने स्प्रिंग अनियन डाल दिए थोड़े से तेल में, ज़्यादा तेल मत लीजिएगा. अनियंस चली गई हैं, कैप्सिकम चली गई है, अब इसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे हम लोग. हार्डली 2 मिनट्स इसको ऊपर नीचे कर लें, उसके बाद टमाटर डाल दें. अगेन हार्डली 2 मिनट्स इसको कुक कर लें ऊपर नीचे, और देन उसके सारी वेजिटेबल्स को हम ग्रेवी में ऐड ऑन कर देंगे साथ साथ चिकन स्टॉक के. थोड़ी देर इसको कुक करेंगे ताकि वेजिटेबल का जो फ्लेवर है एंड सॉस का वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए. यहाँ पे मज़े मज़े की चिकन चली गई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त, इसलिए मैंने जल्दी से थोड़ा सा चख लिया था, ट्राई कर लिया था कि ग्रेवी कैसी है, स्पाइसेस एक्यूरेट हैं. तो ओवरऑल इट वॉज ब्रिलियंट. एंड ऊपर से थोड़ी सी फ्रेश प्रेजेंटेशन के लिए हमने स्प्रिंग अनियन ऐड ऑन कर दिए. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. यहाँ पे ये कुक हो गई है, अब हम इसको सर्व करेंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू कॉमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.